किसी को भी अंदर रखने का कोई सवाल नहीं है, तो यहाँ फिर से स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ये एग्रेशन जो है ये चाइना की अपनी आदत है ना, पाकिस्तान है, उसको अकल आएगी, जब उसको अकल आएगी तब ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के जम्मू कश्मीर विंग के अशोक कौल साहब। आप ये बताइए हमें कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है कश्मीर में वो अभी भी रुकी हुई है, अभी भी रिज्यूम नहीं हो पा रही है, इसके लिए सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी की ये गलत पॉलिसी की वजह से। ऐसा है कि मुझे 6 महीने पहले आप लोग ये पूछते थे कि भाई ये लोग अंदर हैं और ये पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू नहीं कर रहे हैं, ये कैसे करेंगे, तो जेलों में अब तकरीबन सब लोग छोड़ गए हैं, तो इनको किसी ने नहीं रोका। महबूबा वगैरह नहीं, केवल एक महबूबा अंदर है, बाकी सब लोग बाहर हैं। तो उनको भी रिलीज करना चाहिए, करेंगे, हम तो मानते हैं कि किसी को भी अंदर रखने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो बाहर आ गए हैं उनको पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करनी चाहिए। क्यों नहीं करते हैं पॉलिटिकल? अब जब हम कर सकते हैं तो उनको करने में क्या दिक्कत है? पॉलिटिकल प्रोसेस उनको शुरू करनी चाहिए। और अभी मैंने बताया कि सरकार बड़े ज़ोर से इस बात को कह रहे हैं कि जो ही डिलिमिटेशन समाप्त हो जाएगी, डिलिमिटेशन समाप्त होते ही यहाँ चुनाव होंगे और चुनाव के बाद और फिर से यहाँ पर आपको लगता है कि कश्मीर में उस तरह का एटमॉस्फेयर है कि यहाँ पर इलेक्शन होंगे? इस समय आप मेरे से ये गारंटी से ले लीजिए कि इस समय अगर चुनाव होते हैं 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद, यहाँ more than 70% होते हैं। जब से 370 को ख़त्म किया गया, कश्मीर जम्मू कश्मीर को UTs में कन्वर्ट किया गया, तब से कश्मीर में जो हालात हैं यहाँ पर आए रोज़ ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जिससे लोग काफ़ी मायूस हुए। लाइक हमारे पास रिसेंटली मीडिया पॉलिसी आई, ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी वगैरह आई, इस हवाले से नहीं, उसमें ऐसा है कि कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं आई है, फिर उसमें कोई अगर कोई एरर रहा होगा उस एरर को सरकार ने ठीक भी किया है बाद में। और अभी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई है उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है कि भाई उन्होंने, और उसमें 10% 5% डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मार्जिन भी दिया है, उनको ग्रेस मार्क्स भी दिए हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो समय के साथ, और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री ने भी ये बात बताई कि भाई हालात जम्मू कश्मीर के ठीक हो जाएगा तो यहाँ फिर से स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। अब स्टेट का दर्जा और ये हालात चलती रहे ये कोई जायज़ नहीं लगता है मेरे भाई। और हमको ये लगता है कि रोज़ ये जो गन उठाने वाली बात है, रोज़ जो हमारे यहाँ एनकाउंटर्स हो रहे हैं, और मैं बड़ा खुश हूँ जब हमारे पुलिस के अधिकारियों ने ये बताया कि अब हमें लोगों से भी बहुत कोऑपरेशन मिलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इस स्टेटमेंट को लीजिए, जब एक पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि हमें लोगों से कोऑपरेशन मिल रही है, तो इसका मतलब है लोगों ने इनकी बात और इनकी चीज़ को छोड़ दिया है। कुछ स्टेटमेंट्स आए थे कि जो चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ जिसमें 20 लोग फौजी के हलाक कर दिए गए, कहा गया कि जो 370 ख़त्म करने की वही वजह। ऐसा कुछ नहीं है, 370 वो पहले से ही डोकलाम में जब हुआ तो तब का कौन सा 370, तब तो कोई 370 नहीं था। ये एग्रेशन जो है ये चाइना की अपनी एक आदत है। आज देखिए वहाँ के पेपरों में क्या आता है, वहाँ के पेपरों में ये कहा गया कि भाई हिंदुस्तान के 20 लोग मरे, उनको बाज़ाब्ता एक स्टेट और सेंट्रल फ्यूनरल मिला, और हमारे लोगों को एक डब्बे में राख आ गई है कि भाई ये ले लो भाई, तुम्हारा आदमी मर गया है, ये उसके गत्ते के डब्बे में उनकी राख है। अशोक साहब, LOC पर आम लोग मर रहे हैं, आम लोग जख्मी हो रहे हैं, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि लोगों का ये जो गम है, दर्द है, उसे वो दूर किया जाए? बिल्कुल है, सरकार के पास उसका एक तरीका था कि भाई बंकर बनाना, अब मैक्सिमम 80% बंकर्स पूरे हो गए हैं सर। पहले उन्होंने कम्युनिटी बंकर बनाए थे, लोगों ने कहा जी नहीं हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक, फिर इंडिविजुअल बंकर बने हैं, हर घर में बंकर बना है, लेकिन अब पाकिस्तान है, उसको अकल आएगी, जब उसको अकल आएगी तब ठीक होगा, उसको अकल नहीं आएगी, अब उसको अकल आएगी थोड़े दिनों के बाद जब हम और एग्रेसिव हो जाएंगे भारत के, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी अकल आएगी। हमारी ओर से सीज़ फायर वायलेशन नहीं, कोई ये बताए कि भारत सीज़ फायर वायलेशन कर रहा है, सीज़ फायर वायलेशन वहीं से हो रही है। अब हमको जब सीज़ फायर वायलेशन हो रही है हमको जवाब देना पड़ता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे फोर्सेस भी वहाँ शहीद हो रहे हैं, हमारे गांव के लोग जो वहाँ गांव के लोग रहते हैं वो भी बेचारे इस समय खौफ में हैं, और उनकी भी शहादतें हो रही हैं, वो भी ज़ख्मी हो रहे हैं, वहाँ माल मवेशी मर रहा है,
ये बहुत शर्मनाक बात है। आखिर पर अशोक कुल जी साहब, इस वक्त कश्मीर की जो यूथ है, आप देख रहे हैं कि मिलिटेंसी रैंक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वजह है वो मिलिटेंसी को ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे पास तो ऐसे बड़े लोग आए, मेरे पास आइए आप, जो कह रहे हैं कि हम बसरबाज थे जी, हम जेल में रहे हैं जी, हम आप इसको छोड़ रहे हैं, हम मेन स्ट्रीम में, मेरे पास कैसे इनको अप्रोच किया जाए? करें हम अप्रोच, ऐसा कुछ नहीं है, हम सबको जीरो पे तो दिखता नहीं है। दिखता है, आप आइए मेरे पास, मेरे पास दिन में 10 बच्चे ऐसे आते हैं जो कह रहे हैं कि हमने ये पत्थरबाजी छोड़ी है, हम मेन स्ट्रीम में मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।